स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ लाइज पैरेलल टू एक्सिस। चलिए देखते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे? ये कार्टेशियन सिस्टम हम कंसीडर करते हैं। सपोज ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई वाई डैश। सपोज करते हैं वाई एक्सिस में 3 यूनिट पर की डिस्टेंस पर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है इस तरह से। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां देखें 1, 2, 3, 4। यहां कुछ निगेटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, -1, -2, -3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और 3 यूनिट पर वाई एक्सिस में है, 0, 3 हो जाएगा। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें, 1, 3 हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट 2, 3 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये पॉइंट क्या होगा, -1, 3। ये पॉइंट -1, -2, 3 और ये पॉइंट -3, 3। तो इस लाइन पर जितने पॉइंट्स हम मार्क किए हैं इनमें क्या खास चीज है, हम देखते हैं कि इनका ऑर्डिनेट मींस बाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, कांस्टेंट है, 3 है। अगर ये लाइन 2 यूनिट की डिस्टेंस से पास हुई होती तो ये वाई कोऑर्डिनेट 2 होता। अगर ये लाइन यहां से पास हुई होती तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 होता। तो हम ये देख रहे हैं कि जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसका एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उसका इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा। सिमिलरली देखें इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसी तरह से कार्टेशियन सिस्टम ड्रा कर लें। सपोज ये एक्सिस है, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। 1 हम 2 यूनिट पर एक वाई एक्सिस पैरेलल 2 यूनिट पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। वाई एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर 1, 2, 1, 2, 3, -1, -2, -3। इसमें देखें ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट पर है, इसके कोऑर्डिनेट 2, 0 हो जाएंगे। इसी तरह से ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की डिस्टेंस 2 ही रहेगी, 2, 1 और ये पॉइंट 2, 2, ये पॉइंट 3, 2। सिमिलरली -1, 2, -2, 2। -1 and -2। अब यहां देखें इस लाइन पर जितने पॉइंट हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा 2 है, कांस्टेंट है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन जो लाइन वाई एक्सिस के पहले होगा उसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस के पहले लाइन का इक्वेशन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा और वाई एक्सिस के पहले लाइन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। अब चलिए हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है लाइन y इक्वल टू 3 का। y इक्वल टू 3 एक लीनियर इक्वेशन है, आप उसको 0x+1y इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, 2 वेरिएबल में भी हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना पहले इन 1 वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में एक आप लाइन ड्रा कर लें और उसमें 3 यूनिट की डिस्टेंस शो कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। इसका सेकंड पार्ट इन 2 वेरिएबल्स means geometric representation of equation y equal to 3 in 2 variables। तो 2 variables के केस में आप कार्टेशियन सिस्टम ड्रा कर लें, और एक काम और तो ऐसे भी पता है y equal to constant है, ये x axis के पैरेलल लाइन होगी। 2 variables में उस equation को लिखें 0x+1y = 3। इसको आप y के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 ही आएगा। अगर आप इसकी टेबल प्रिपेयर करते हैं, अगर टेबल प्रिपेयर भी करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे y इक्वल टू 3 ही आएगा जो ओरिजिनल इक्वेशन है। x की कुछ भी वैल्यू रख लें, -2 रख लें, y की 3 ही आनी है, यहाँ 0 × x है, x की -1 रख दें y की 3 ही आएगी, x की 0 रख दें y की 3 ही आएगी, x की 1 रख दें y की 3 ही आएगी, x की 2 वैल्यू पुट कर दें y की 3 ही आएगी, और आप अब इसको नंबर लाइन में शो कर सकते। कार्टेशियन सिस्टम में आप इसको अब ड्रा कर सकते हैं, ये कार्टेशियन सिस्टम हुआ, ये दोनों एक्सिस में x x' y y' आप इनमें से कोई दो पॉइंट्स शो कर ले, 1, 2, 3, -1, -2, -3, सिमिलरली 1, 2, 3। चलिए हम -1, 3 ड्रा कर लेते हैं, एक्स एक्सिस में -1 और वाई में 3, ये पॉइंट आपका हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप 0, 3 कर लें, एक्स में 0, ये पॉइंट हो जाएगा, ये -1, 3 है, ये 0, 3 है, और आप चाहें तो 1, 3 भी कर लें, 2, 3 कर लें, तो 2, 3 ये पॉइंट हो जाएगा। दो पॉइंट से ही लाइन कंफर्म हो जाती है, इन दोनों को इनको ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर दें, ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आई, ये y इक्वल टू 3। तो 2 वेरिएबल्स में y इक्वल टू 3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है 2x+9 = 0। वन वेरिएबल में भी देना है, 2 वेरिएबल में। इसको अगर आप अपने देखें तो 2x = -9 and x = -9/2 means x = -4.5। तो इन वन वेरिएबल आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लें और उसमें 9.-9.2 शो कर लें, मींस 4.5, 1, 2,
4 here 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 5 इधर 1 2 3 माइनस 4.5 यहाँ आएगा आपका, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 से रहते हैं। वन वेरिएबल में हो गया, टू वेरिएबल में देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसको अगर टू वेरिएबल में लिखने की कोशिश करें तो 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। आप इसको y के लिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि y कोफिशिएंट 0 है, x के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा x इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2 जिसको आप माइनस 4.5 लिख सकते हैं। और अगर टेबल प्रिपेयर करें ध्यान दें यहाँ x की वैल्यू तो फिक्स है, उसको हम वेरिएट नहीं कर सकते हैं। y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लें, माइनस 2 पुट कर लें x की माइनस 4.5 ही होगी, माइनस 1 पुट कर लें x की माइनस 4.5 होगी। यहाँ में y की वैल्यू पुट करके जब और x की वैल्यू निकालना है, y कोफिशिएंट 0 है, 0 पुट कर लें इसकी माइनस 4.5 होगी क्योंकि ये इक्वेशन एक्चुअली फ्री ऑफ y वेरिएबल है। 1 पर भी माइनस 4.5 होगी, 2 पर भी माइनस 4.5। और अब इसके बाद आप कार्टेशियन सिस्टम में ये एक्सिस हो गई, ध्यान दें ये क्या दे रहा हमको, x इक्वल टू माइनस 4.5 मीन्स x इक्वल टू कांस्टेंट जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 ये होगा माइनस 4.5। यहाँ से आप कोई दो पॉइंट्स को कर दें, 2 3 4 कुछ निगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 4 कोई दो पॉइंट इसमें शो करें, माइनस 4.5 माइनस 2 माइनस 4.5 दिस और माइनस 2 ये पॉइंट हो जाएगा। एक माइनस 4.5 जीरो ले लें ये पॉइंट हो गया और दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रा कर दी। ये लाइन 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 इक्वेशन पर 0। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4.4 और चैप्टर 4 फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिफ्थ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देंगे। फिफ्थ चैप्टर में आप जानते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से देखें।